क्वेश्चन नंबर 4। अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट पासेस नॉर्मली थ्रू द सेंटर ऑफ अ लूप। इफ द करंट थ्रू द वायर इंक्रीजेस, विल देयर बी एन इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द लूप? क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, राइट द एक्सप्रेशन, सॉरी, अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर करंट पासेस थ्रू नॉर्मली थ्रू द लूप, थ्रू द सेंटर ऑफ द लूप। एक लूप है और एक वायर ऐसे गुजर जाता है इसमें से, इस तरीके से। इसमें करंट को इंक्रीजिंग किया जा रहा है, तो कह रहे हैं क्या इस लूप में, इफ द करंट इज इंक्रीज, विल देयर बी इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द लूप? इस लूप में देखिए, अगर मैं इंक्रीज करूँगा तो हो क्या रहा है, मैं सिर्फ वायर बना लेता हूँ। इस वायर की वजह से राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड ऐसे रहेगी, ये मैग्नेटिक फील्ड रहेगी। आप इंक्रीज कर लोगे तो बढ़ जाएगी, डिक्रीज कर लोगे घट जाएगी, ठीक है, वेरी गुड। पर मैग्नेटिक फील्ड यानी कि, या मैग्नेटिक फ्लक्स भी बोल सकते हैं, उसका किसी लूप को भेदना ज़रूरी है, क्रॉस करना ज़रूरी है। लेकिन यहाँ मैग्नेटिक फील्ड एक गोल बना रही है और क्रॉस नहीं कर रही है इस लूप को। इस लूप के प्लेन में मैग्नेटिक फील्ड है, तो जब प्लेन में होती है तो फिर कोई भी इंड्यूस नहीं होता ईएमएफ। लिखेंगे द मैग्नेटिक फ्लक्स ड्यू टू करंट आई डज नॉट कट थ्रू द लूप, कट थ्रू द लूप दैट इज इन द प्लेन ऑफ द लूप, इन द प्लेन ऑफ लूप। हैंस नो ई एम एफ या करेंट इज इंड्यूस्ड। ये तो चलो मैटर ऑफ फैक्ट हो गया, पर ऐसा होता भी क्यों है? ठीक है, ऐसा इसलिए है क्योंकि इस लूप में इलेक्ट्रॉन के पास मूवमेंट के लिए केवल एक ही जगह है, या तो वायर के इधर या वायर के उधर। और मैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड जो है यहाँ पे, वो भी उसी डायरेक्शन में, इधर के तरफ डायरेक्शन में। तो यानी कि मैं यहाँ पर देता हूँ आंसर गंदा नहीं करूँगा भाई, इलेक्ट्रॉन तो इस वायर में या तो राइट जा सकते हैं, या तो क्लॉक ऐसे मूव कर सकते हैं, या ऐसे मूव कर सकते हैं, और मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे ही मूव करेगी। तो हम देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन के साथ मैग्नेटिक फील्ड या तो पैरेलल होगी, या इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी के साथ एंटी पैरेलल होगी, और दोनों ही केस में जो फोर्स होगा वो जीरो हो जाएगा, क्योंकि फोर्स क्यूवीबी साइन थीटा होता है, और थीटा यहाँ पे या तो 0 डिग्री साबित हो रहा है या 180 डिग्री, इसीलिए इलेक्ट्रॉन्स पे कोई फोर्स नहीं लगेगा। हैंस इलेक्ट्रॉन से फ्लो सीन लगेगा, तो तो करंट कैसे आएगा, मतलब वो जब मूव ही नहीं करेंगे तो करंट भी नहीं आ सकता। दैट इज वाई वेन द मैग्नेटिक फ्लक्स इज इन द प्लेन ऑफ द करंट लूप, नो करंट इज इंड्यूस्ड। अभी दूसरा पार्ट देख लेते हैं इसका। वाई इज द यूज ऑफ ए सी वोल्टेज प्रेफर्ड ओवर डी सी वोल्टेज, गिव टू रीजन्स। ए सी की डी सी पर प्रेफरेंस क्या है? पहला, एक तो ए सी कैन बी एम्पलीफाइड। दुकान बंद हो गई थी एडिसन की टेस्ला की वजह से, उसने ए सी बनाया था टेस्ला ने, उसका थोड़ा फायदा था कि ए सी कैन बी एम्पलीफाइड, तो यहाँ से वहाँ बिना किसी एनर्जी लॉसेज के, ज़्यादा खतरनाक एनर्जी लॉसेज के, ए सी को आसानी से ट्रांसफ़र किया जा सकता। और दूसरा ये है कि ए सी हैज़ अ हायर पीक वैल्यू, हैज़ अ हायर पीक वैल्यू। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह कि इसका एम्पलीफाइड तो ठीक ही है, आप ये भी जोड़ सकते हो साथ में कि ए सी कैन बी ट्रांसमिटेड ओवर लॉन्ग रेंजेस, ट्रांसमिटेड ओवर लॉन्ग रेंजेस, लॉन्ग डिस्टेंसेस बोल सकते हैं। डी सी को आप नहीं कर सकते, डी सी करोगे तो बहुत एनर्जी लॉस होगा, क्योंकि आप ए सी में क्या कर सकते हो, वोल्टेज को बढ़ा सकते हो, करंट घटा सकते हो, पावर सेम रख के करंट घटा दिए तो एनर्जी लॉस कम हो जाएगा ओवर दी लॉन्ग रेंजेस। तो ये तीन में से कोई भी आप दो लिख सकते हैं, ठीक है, ये स्टैंडर्ड आंसर्स हैं, ये भी लिख सकते हैं। हालांकि ये इसका एक तरह का इफेक्ट है।